इंसर्ट मेन्यू में नेक्स्ट आप सीखेंगे ये हाइपरलिंक ऑप्शन। हाइपरलिंक ऑप्शन में जैसे आप यहाँ पे देखें तो आप ये लिंक दे सकते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि आपने किसी को हेडर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि हेडर क्या होता है, जो कि आप यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, तो आप उसको हाइपरलिंक बना देंगे। तो आपको इसका लिंक जो है वो किसी ना किसी फाइल या फोल्डर के साथ देना पड़ेगा, जो आप चाहते हैं कि जब उस पर क्लिक हो तो वो फाइल या फोल्डर ओपन हो जाए। तो यहाँ पे सपोज ये लिखा हुआ इंफॉर्मेशन अबाउट हेडर, डी ड्राइव में जाके ओके। अब आप देखें जैसे सपोज आप इस फाइल को यहाँ पे हेडर पे जाएंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास एक दैट इज कि आप कंट्रोल प्रेस करें और क्लिक करें, जैसे हैंड बन गया, लेफ्ट क्लिक करना है आपने, यस। देखें आपके सामने ये एक और फाइल ओपन होके आ गई है जिसमें वो हेडर की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आपको क्या लगा कि अब आपको वहाँ पे पूरा पाथ फॉलो नहीं करना पड़ा जो आप बार बार ये करते। सो ये जो हेडर है यहाँ पे आपने जो बनाया है, हेडर के बारे में इंफॉर्मेशन आपने देखी, वो हाइपरलिंक के थ्रू उसने लिंक बनाया। इसे हम कहते हैं हाइपरलिंक, मींस लिंक्स। सो उसके बाद आता है आपका बुकमार्क। अब बुकमार्क भी कुछ जैसे ऐसे है, सपोज आप नोटबुक्स लेके आते हैं घर और उसमें आप जैसे आप मोस्टली आपकी जो डायरीज होती हैं उस पर एक रिबन सा लगा होता है, और जब आप पढ़ना वहाँ पे बंद करते हैं तो या लिखना बंद करते हैं तो वहाँ पे आप अपना वो रिबन लगा देते हैं, दैट इज़ एज अ बुक मार्क, कि जब भी आपकी वो डायरी ओपन हो तो वो वहीं उसी जगह से ओपन हो जहाँ से वो आपने बंद की थी। इस तरह से अगर सपोज आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, जैसे ये पेजेस आपके पास बहुत सारे, सपोज 11 12 पेजेस हैं, और यहाँ पे कुछ हमने लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे इसके बाद ऊपर इसके बाद आपने ये लिखा हुआ है। तो उसके बाद आप देखें यहाँ पे आपके पास जैसे यहाँ पे कुछ आप किसी को भी सिलेक्ट करें, जैसे यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपने एक सिलेक्ट कर लिया जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट, और इसको आपने बुकमार्क पे गए और आपने इसको यहाँ पे बुकमार्क का नेम देना, जो भी नाम दे सकते हैं आप जो मीनिंगफुल लगे, बट आप थोड़ा सा एक मीनिंगफुल नाम दें, सपोज जो वर्ड वहाँ पे है वही नाम दे दें, डॉक्यूमेंट ऐड कर दिया। आप वैसे ही नेक्स्ट सपोज जैसे इस पेज पर जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट और ये जैसे यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपने ये जो ब्लॉक्स है आप इसको बुकमार्क पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे ब्लॉक्स और ऐड कर देंगे। देन आफ्टर दैट आप फिर उसके बाद डायग्राम्स पे जाएं और इसको आप यहाँ पे बुकमार्क पे जाएं और यहाँ पे आ गया आपका डायग्राम्स, ऐड कर दें, ऐड हो जाएगा। इस तरह से आपके बुक अब सपोज आप चाहते हैं किसी बुकमार्क पे जाना है, आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट वाले पे जाना है, आपके करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट को, गो टू ब्लॉक्स वाले पे जाना है, गो टू डायग्राम वाले पे जाना है, गो टू। तो ये आपका बुकमार्क ऑप्शन होता है।